तस्वीर पिछले महीने की है, जब बदलापुर के लोग सड़कों पर उतर आए थे। एक स्कूल में दो बच्चियों के यौन उत्पीड़न के खिलाफ उन्होंने रेल रोको आंदोलन किया था। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अब चार्जशीट दाखिल कर दी है। दो मामले में हुई एफआईआर में दो चार्जशीट दायर की गई है। चार्जशीट 500-500 पन्नों की है। इसमें आरोपी अक्षय शिंदे की पहली पत्नी को मुख्य गवाह बनाया गया है, जिसने अपने बयान में आरोपी को गंदी मानसिकता का बताया था। दूसरी चार्जशीट के अनुसार आरोपी ने 13 अगस्त को 4 साल की बच्ची को स्कूल के शौचालय में ले जाकर यौन उत्पीड़न किया। बच्ची ने घर लौटकर माता पिता को इसकी जानकारी दी। अगले दिन बच्ची के माता पिता ने स्कूल के प्रिंसिपल को घटना के बारे में बताया। कहा जा रहा है कि उनसे कहा गया कि स्कूल परिसर में ऐसा नहीं हो सकता। जब माता पिता ने स्कूल के सीसीटीवी फुटेज मांगे तो उन्होंने बताया कि ये उपलब्ध नहीं है। एसआईटी ने स्कूल के प्रबंधन अधिकारी को लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया। स्कूल ट्रस्ट के अध्यक्ष उदय कुलतवाल, सचिव तुषार आपते और प्रिंसिपल अर्चना अठावले को एफआईआर में आरोपी बनाया है। चार्जशीट के अनुसार पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई नहीं की। मामले में आरोपी अक्षय शिंदे के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपी अक्षय शिंदे के खिलाफ उनकी पहली पत्नी ने मारपीट और रेप का इल्जाम लगाते हुए इस एफआईआर को दर्ज कराया है और जल्द ही इस पूरे मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अक्षय शिंदे को गिरफ्तार कर लेगी। वहीं बदलापुर स्कूल में हुए दो बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न मामले में भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस मामले को फास्ट ट्रैक कराने की पुरजोर कोशिश कर रही है। मुंबई से कैमरामैन सचिन सावंत के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।